आज हमारे बीच में जो खट्टी ऑल इंडिया खट्टी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेत्राम शुक्ला जी आए हैं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रमेश खटीक जी को भी आना था, लेकिन कारणवश वो रात को आ पा रहे हैं। मैं हमारा जो उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता चुके हैं, मैं भी एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन आज हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि खटीक समाज की जो भागीदारी आगरा के अंदर कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आपका बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस है, हम भागीदारी की बात करने राष्ट्रीय जी आए हैं। जो जो खटीक समाज से जहाँ जहाँ अपने दलों के हिसाब से अपने आवेदन दे रहे हैं, तो खटीक फेडरेशन का मानना है कि अब की जैसा कि राष्ट्रीय जी ने बताया कि अगर इस तरह से पिछले वर्ष राजनीतिक भागीदारी से वंचित रखा गया है, खटीक समुदाय को एक मतदाता के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के लिए बिल्कुल मुंह मोड़ लेते हैं राजनीतिक दल। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं कि आगरा के मेयर पद महापौर का प्लस नगर पंचायत नगर परिषद उन पर उनमें अध्यक्ष पद के पार्षदों के जहाँ हमारी जितने की स्थितियाँ हैं, जैसे मैं आगरा की जिक्र करूँ तो आगरा का खटीक पाड़ा इस बार भी अगर आप लोगों को वंचित किया जाता है तो क्या फेडरेशन क्या निर्णय लेगा? ये तय हुआ, राजचंद्र जी से भी मीटिंग हुई है, आगरा कैंट से उतरने के बाद एक मीटिंग हुई, मीटिंग में समाज के सामने संबोधन भी किया, उसमें यही तय हुआ है कि एक दल में काम करना राजनीतिक कार्यकर्ता की अपनी एक भागीदारी जो होती है वो अलग विषय है, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है तो अगर खटीक समाज को किसी भी दल ने अगर कहीं प्रत्याशी नहीं बनाते इस बार, तो खटीक समाज अपना राजनीतिक निर्णय ऐसा लेगा कि राजनीतिक दलों को याद रहेगा कि खटीक समाज की अपेक्षा करना कितना महंगा पड़ सकता है। ठीक, आज हमारी प्रेस वार्ता जो हो रही है खटीक समाज की जो राजनीति में भागीदारी को लेकर, इसकी ओर क्या उद्देश्य? मैं पहले इससे पहले दो मिनट फेडरेशन के बारे में बताऊँ। ऑल इंडिया खटीक फेडरेशन देश के अंदर जो सैकड़ों संस्थाएं अलग अलग स्तर पर काम करती है, जैसे महाराष्ट्र की संस्था, यूपी की संस्था, इन संस्थाओं को मिलाकर एक संगठन बना हुआ संगठन है। बेसिकली संगठन का मूल आधार यह है कि सामाजिक तौर पर लोगों को संगठित करना, समाज को जागृत करना, समाज को शिक्षित करना, जिससे कि समाज का आदमी हर क्षेत्र में भागीदारी ले सके। इसके अंदर राजनीति भी एक हिस्सा है, तो राजनीति के अंदर हम चाहेंगे कि हमारे समाज के लोगों को भागीदारी मिले। उदाहरण के लिए आज हम जो ब्रिज क्षेत्र में बैठे हैं, इस ब्रिज क्षेत्र के अंदर 3 सांसद आते हैं SC के और 15 विधायक आते हैं, उनमें से एक भी किसी खटीक समाज के व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं दिया गया, उसे कोई पद नहीं दिया गया, उसे कोई विधायक नहीं बनाया गया, विधायक की टिकट नहीं दी गई। हमारी पहली बात तो ये है। यहाँ तक हम आगरा के अंदर आते हैं, आगरा के अंदर आज तक जितने भी मेयर बने हैं वो मेयर में कभी भी जो है खटीक समाज के प्रतिनिधियों को स्थान नहीं दिया गया। यद्यपि हमारी यहाँ आबादी लाखों में है, 1,12,000 की गिनती तो हमने फेडरेशन की जो हमारी यहाँ की टीम है उसने अपनी मेहनत घर घर जाके सर्वे करके इसका पता लगाया है। बहुत से लोग चूंकि काम करने आते हैं जो कि समाज की जानकारी में नहीं रहते, उनकी संख्या को लगाया है तो शायद बहुत बड़ी संख्या और भी हो सकती है। इन सब के बावजूद हमें जो है टिकट नहीं दी गई। हम जो है सबसे सभी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, उनसे ये डिमांड है कि हमें जो आगरा के अंदर हमारी आबादी जो 1,00,000 से ऊपर है, उस आधार पर दूसरी जो बड़ी आबादी है उन आबादियों को टिकटें मिल चुकी है, मेरे की टिकटें मिल चुकी हैं, हमारे समाज को उसमें टिकट मिले। आज हम यही बात आपके सामने लेके आपके माध्यम से इन पार्टियों को ये बता देना चाहते हैं कि खटीक समाज अब खाली बंधुआ मजदूर नहीं है, वो भी अपने अधिकार के चाहता है और बिना अधिकार दिए समाज का विकास नहीं हो सकता। आप सभी अंगों का विकास करो तभी राष्ट्र का विकास होगा। खासतौर से हमारे जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, या खटीक का ना साथ है तो खटीक का विकास कैसे होगा? तो इसलिए यहाँ तक विकास की बात में उनको प्रतिनिधित्व मिले। हम ये नहीं कि मैं सारा दे दो, हम बाबा साहब अम्बेडकर की उस विचारधारा का बिल्कुल समर्थन करते हैं, जिसकी जितनी आबादी है उतनी उसकी प्रशासन में भागीदारी मिले। इसको काशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया, तो उसी सिलसिले में चलते हुए आज हमने जो है हमारे फेडरेशन ने यहाँ की आगरा इकाई ने इसको आपको आमंत्रित किया है, उसी पर चर्चा करने के लिए आए। हमारे साथ अंगद धारिया जी को तो आप जानते हैं।